नमस्कार दोस्तों, मैं अगस्त्य देवांगन आप सभी का स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप मोबाइल से ही वीडियो एडिटिंग कैसे कर सकते हो बिल्कुल आसानी से, वो भी प्रोफेशनल तरीके से। आज हम वीडियो एडिटिंग करना सीखेंगे फ्रेंड। तो फ्रेंड, मैं आज बात करने वाला हूँ काइन मास्टर एप्लीकेशन का। तो फ्रेंड, ये ऐसा एप्लीकेशन है, जितने भी सारी यूट्यूबर है, जितने लोग सब वीडियो एडिटिंग करते हैं वो लोग सब इसी एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए फ्रेंड, मैं आपको लेकर चलता हूँ काइन मास्टर एप्लीकेशन पे। उसके लिए जाना होगा हमें अपने मोबाइल स्क्रीन पे। तो लेट्स गो। अगर आपके पास काइन मास्टर एप्लीकेशन नहीं है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, आप प्ले स्टोर से एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना। तो जब आप काइन मास्टर ओपन करेंगे फ्रेंड, तो इसका इंटरफेस इस तरह से आपको दिखेगा। तो लेफ्ट साइड में जो प्लस वाला आइकन है, सिर्फ इसमें ही आपको क्लिक करना है। जैसे इसमें क्लिक करेंगे फ्रेंड, उसके बाद आपको यहाँ पर एक्सपेक्ट रेसेज चूज करना है। अगर आप यूट्यूब वगैरह के लिए वीडियो बनाना चाहते हैं आपको, तो 16:9 रेसेज सेलेक्ट करना है। अगर आप इंस्टाग्राम टिकटॉक के लिए वीडियो बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 9:16 रेसेज में सेलेक्ट करना है। अगर फ्रेंड आप स्क्वायर में वीडियो बनाना चाहते हैं तो आपको 1:1 सेलेक्ट करना है। तो चलिए फ्रेंड, मैं सेलेक्ट करता हूँ 16:9 रेसियो। यहाँ सेलेक्ट करने के बाद फ्रेंड, आपको वो वीडियो सेलेक्ट करना है जो आपको एडिट करना है। तो मैं कैमरे में चले जाता हूँ, ये वीडियो है, इसे मैंने सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद राइट क्लिक कर देना है। राइट क्लिक करने के बाद फ्रेंड होता है, देखिए मैं आपको वीडियो चला के दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड, सबसे पहला वीडियो एडिटिंग का जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, वो होता है वीडियो का जो ख़राब पार्ट होता है उसे कट करना, कट करके डिलीट करना। तो फ्रेंड देख सकते हैं, जैसे मेरा यहाँ तक थोड़ा ख़राब पार्ट है, यहाँ से मेरा लेफ्ट साइड है, जो लेफ्ट साइड है उसे मैं डिलीट करना चाहता हूँ। तो सिंपली आपको चले जाना है कैंची वाले ऑप्शन में। जैसे जाएंगे फ्रेंड, ट्रिम टू लेफ्ट प्लेहेड लिखा है, इसमें आपको क्लिक कर देना है। देख सकते हैं फ्रेंड, आप जो लेफ्ट प्लेहेड वाला जो आप वो था वो डिलीट हो चुका है। अब जिसे मैं प्ले करके दिखा देता हूँ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल में। तो फ्रेंड, आज देख सकते हैं फ्रेंड एडिटिंग करना। अब मेरे को ये आगे का जो पार्ट है इसे मेरे को डिलीट करना है। तो ये जो रेड कलर का आपको दिख रहा है, ये जो रेड कलर का, इसको बोलते हैं प्लेहेड। तो प्लेहेड को वहाँ पर ले जाना है। प्लेहेड जहाँ पर रहेगा उसके वहीं पर को हमको कटिंग करना है। तो उसके राइट साइड को कटिंग करने के लिए सिंपली प्लेहेड को वहीं पर ले जाना है। प्लेहेड यहाँ पर है, इसके राइट साइड को क्लिक कट करना है फ्रेंड। तो कैची वाले ऑप्शन में चले जाना है आपको, उसके बाद ट्रिम टू राइट प्लेट में क्लिक कर देना है। आप देख सकते हैं आगे का ट्रिम हो गया है। अब यहाँ जैसे प्ले करेंगे, इसके बाद आता है फ्रेंड वीडियो में को बीच से कट करना, स्प्लिट करना। तो यहाँ सिंपली चले जाना है स्प्लिट टू प्ले हेड। जैसे करेंगे फिर यहाँ बीच से वीडियो जो है दो पार्ट में बट चुका है। अब चाहे तो यहाँ आप अपना इंट्रो वगैरह डाल सकते हैं, जैसे मैं यहाँ अपना इंट्रो डाल सकता हूँ। तो सिंपली करना क्या है, सिंपल प्ले हेड को यहीं बीच में लाना है। उसके बाद आपको मीडिया वाले ब्राउजर में चले जाना है। मीडिया में जैसे जाएंगे फ्रेंड, उसके बाद जैसे मैं अपना यहाँ इंट्रो डाल देता हूँ। इंट्रो डालने के लिए सिंपली आपको इंट्रो सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मेरा इंट्रो ये रहा, ये नहीं, जैसे मैंने इंट्रो को डाल दिया। आप देख सकते हैं दोनों वीडियो के बीच में इंट्रो आ चुका है इस तरीके से। तो फ्रेंड, अगर जो इसके बाद अगर आपको जैसे कोई गलती हो जाता है आपसे, तो वापस जाने के लिए लेफ्ट साइड में देख सकते हैं एरो का ऑप्शन बना हुआ है, ये वाला, इसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से अंडू कर सकते हैं। जैसे हम अंडू कर लेते हैं, ये अंडू हो गया। अगर अंडू करने के बाद जैसे आप ज़्यादा अंडू करेंगे तो फिर आगे जाने के लिए नीचे आला है, तो देख सकते हैं। इसके बाद आता है फ्रेंड यहाँ पे प्लस वाला आइकन है, यहाँ से आप दोनों के बीच में ट्रांजेक्शन लगा सकते हैं। सिंपली इसमें टाइप करना है, क्लिक करना है सॉरी, उसके बाद यहाँ ट्रांजेक्शन ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मैंने ये वाला ट्रांजेक्शन ऐड कर दिया। बहुत सारे ट्रांजेक्शन दिए हुए हैं काइन मास्टर के एप्लीकेशन पे। नमस्कार दोस्तों, मैं आपको एक ही ट्रांजेक्शन करके दिखा रहा हूँ। आप चाहें तो ट्रांजेक्शन का दूसरा ट्रांजेक्शन इस तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं। आप चाहें तो बहुत सारे ट्रांजेक्शन इसमें दिए हुए हैं, आप दूसरा ट्रांजेक्शन आप ले सकते हैं। तो फ्रेंड, उसके बाद ट्रांजेक्शन लेने के बाद फ्रेंड इसे हटाना, आप बहुत सारे ट्रांजेक्शन आपको मिल जाएगा और आप डाउनलोड भी कर सकते हैं गेट मोर पे जा करके। तो सिंपली इसको ट्रांजेक्शन को हटाने के लिए सिंपली आपको जाना है नॉन में। इसके बाद यहाँ से इसको बैक कर देते हैं। बैक करने के बाद फ्रेंड उसके बाद मैं आपको आगे दिखाता हूँ करना क्या है आपको। ये तो हो गया फ्रेंड। अब इसके बाद आता है जूम आउट जूम इन। जब देखेंगे फ्रेंड, जब कोई वीडियो जब चालू होता है तो पहले जूम होता है, उसके बाद पीछे जाता है, तो हम वो देखेंगे। तो सबसे पहले आपको इसमें चले जाना है, उसके बाद यहाँ से जूम कर लेना है।
जैसे मैंने यहाँ से जूम कर दिया, अब उसके बाद आपको एंड पोजीशन में यहीं रखना है, ठीक है। ये फर्स्ट पोजीशन है और ये आपका एंड पोजीशन है, तो उसके बाद राइट क्लिक कर देना। अब जब मैं वीडियो चालू करूँगा तो ये जूम आउट होगा, जिसे जूम आउट कर सकते हैं आप इस तरीके। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल में। तो देख सकते हैं फ्रेंड, यह जूम आउट है। आपको यहीं तक ही जूम को अगर करना है, आगे तक पूरा नहीं बढ़ाना, सिंपली यहाँ से इसको स्प्लिट कर दीजिए। यहाँ में जूम में इसको अब देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये सिर्फ यहीं तक ही जूम होगा, जहाँ तक आपको जूम करना है उसको पहले स्प्लिट कर लीजिए, उसके बाद जूम करिए। ये हो गया। अब यहाँ से इसके बैक कर देते हैं। बैक करने के बाद उसके बाद आता है फ्रेंड, ये वॉइस का है। ये जिसे इसमें करेंगे, जैसे आप लगता है कि वॉइस आपका कम है तो यहाँ से बढ़ा सकते हैं और घटा भी सकते हैं, ये वॉइस के लिए। और यहाँ से वॉल्यूम को भी एडजस्ट कर सकते हैं। अगर कई बार क्या होता है, 3D आपको साउंड बनाना रहता है तो यहाँ से आप कर सकते हैं। अगर इसको लेफ्ट साइड में कर देंगे दोनों को, तो आपका लेफ्ट साइड का ही मतलब जो इस जो लगाए रहेंगे आप अपने ब्लूटूथ हेडफोन या कुछ भी हेडफोन लगाएंगे, तो लेफ्ट साइड से आवाज़ आएगा। इसको राइट साइड करेंगे तो ये राइट साइड का ही आपको ईयर में आपको सुनाई देगा हेडफोन के लिए। तो चलिए फ्रेंड रहने देते हैं। उसके बाद आता है फ्रेंड पिच टूल। पिच टूल का उपयोग करके आप अपना जो वॉइस है उसको हल्का भी कर सकते हैं या तो भारी कर सकते हैं, ये उसके लिए यूज होता है। उसके बाद आता है फ्रेंड आपका क्लिप ग्राफिक। क्लिप ग्राफिक में जैसे क्लिक करेंगे तो इसमें आप ग्राफिक लगा सकते हैं, जैसे कि ये देख सकते हैं, ये ग्राफिक लगा सकते हैं इस तरीके से। मैं आपको एक ग्राफिक्स लगा के दिखा देता हूँ, उसमें आप समझ जाएंगे। जैसे कि मैंने ये ग्राफिक्स लगा दिया, अब जब वीडियो प्ले होगा तो उसमें ग्राफिक्स लगा रहेगा। नमस्कार दोस्तों, इस तरीके से ऐसे आप ग्राफिक्स लगा सकते हैं फ्रेंड। इसको जूम आउट को हटाने के लिए यहाँ पर डबल टैप करिए, यहाँ एगरो पे क्लिक करिए, उसके बाद राइट कर दिए, ये जूम आउट जो है हट गया। उसके बाद आता है फ्रेंड, देखते होंगे कोई वीडियो आपने स्पीड का जो ऑप्शन आता है, आप चाहे तो अपने वीडियो को स्लो मोशन कर सकते हैं इस तरीके से। जितना कम करेंगे उतना वीडियो आपका स्लो होते जाएगा। तो देख सकते हैं मेरा वीडियो जो है काफ़ी स्लो हो चुका है। अगर आप चाहें तो यहाँ से इस फास्ट फॉरवर्ड भी कर सकते हैं, यहाँ से जैसे मैं ये स्पीड, अभी मेरे जो वीडियो है वो फास्ट हो चुका है, स्पीड हो चुका है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है इस तरीके से। वापस नॉर्मल करने के लिए सिंपली आप इसमें जाइए, वन को सेलेक्ट कर लीजिए, वापस नॉर्मल हो गया। उसके बाद फ्रेंड आता है, अगर आप ऑडियो को म्यूट करना चाहते हैं तो यहाँ से ऑडियो को म्यूट कर सकते हैं। तो फ्रेंड आप चाहें तो म्यूट के यूज कर सकते हैं। जैसे हम म्यूट कर देंगे इसको तो इसका जो ऑडियो है वो म्यूट हो जाएगा। जैसे म्यूट कर लिए फ्रेंड, है ना, इसको म्यूट कर दिया, अभी इसमें जो ऑडियो है वो म्यूट हो गया है। अब एक फ्रेंड ये आता है जिसे देख सकते हैं, रिवर्स। अगर आप वीडियो को एंड से चलाना चाहते हैं, पीछे से आगे चलाना चाहते हैं, तो ये कर सकते हैं। देखे होंगे कई बार, देखे होंगे जैसे कई लोग रिवर्स वीडियो बनाते हैं तो ये उसी का यूज होता है। जैसे रिवर्स में क्लिक करेंगे फ्रेंड, यहाँ से आपका जो वीडियो है वह रिवर्स हो जाएगा, एंड से चलेगा पीछे से। आप करके देखना, आप जब करेंगे तो आपको खुद समझ आ जाएगा। इसके बाद आता है फ्रेंड रिवर्स के बाद आता है रोटेट एंड मिरर। रोटेट एंड मिरर में आप जैसे जाएंगे फ्रेंड, यहाँ से रोटेट कर सकते हैं इस तरीके से रोटेट कर सकते हैं। आप चाहें तो मिरर भी कर सकते हैं इस तरीके से, या मिरर कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। मिरर के बाद आता है फ्रेंड कलर फिल्टर। आप चाहें तो यहाँ से कलर फिल्टर लगा सकते हैं, जिससे क्या देख सकते हैं इस तरह से कलर, पूरा वीडियो में आपका कलर फिल्टर लग चुका है। इस तरीके से कलर फिल्टर आप लगा सकते हैं। कलर फिल्टर के बाद आता है फ्रेंड, कलर फिल्टर तो हो गया, कलर फिल्टर के बाद आता है एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट में यहाँ से आप ब्राइटनेस को घटा बढ़ा सकते हैं, वैसे कंट्रास्ट को भी घटा बढ़ा सकते हैं, और सेचुरेशन, वीडियो को क्वालिटी को अच्छा करने के लिए आप अपने हिसाब से सेचुरेशन को घटा बढ़ा सकते हैं, जैसे आपको ठीक लगे वैसा कर सकते हैं फ्रेंड। इसके बाद आता है फ्रेंड, ये तो हो गया, इसके बाद आता है एडजस्टमेंट तो हो गया। इसके बाद आता है इको। इको में क्या होता है फ्रेंड, आप FM टाइप कर, आपको जो वॉइस है उसको चेंज कर सकते हैं, बेस बूस्टर, ये अलग अलग। जैसे कि नॉर्मल में देखेंगे, अब देखना FM रेडियो में करूँगा तो इसका जो वॉइस है वो चेंज आएगा उसी तरीके से, और भी दिया हुआ है इस तरीके से। ये
पहले तो हो गया फ्रेंड इको, इको के बाद आता है फ्रेंड वॉल्यूम अनवेलप का। इसका क्या होता है फ्रेंड, जैसे आपको लग रहा है कहीं से साउंड कम ज़्यादा है, बढ़ाना है घटाना है 20 से, तो यहाँ प्लस दबा दीजिए, यहाँ प्लस कर दीजिए, यहाँ प्लस कर दीजिए। अब आपको लग रहा है मेरे को यहाँ से साउंड को बढ़ाना है, तो आप ऐसा करके बढ़ा सकते हैं या तो कम कर सकते हैं। और जैसे ऐसे बढ़ाएंगे फ्रेंड, उसके बाद मैं प्ले करके दिखा देता हूँ आपको। तो देख सकते हैं फ्रेंड, जैसे वहाँ पे जाएगा तो आपका साउंड जो है बढ़ जाएगा। अब इस ये बहुत काम की चीज़ है फ्रेंड, वॉल्यूम एनवेलप बैकग्राउंड म्यूजिक में यूज करने के लिए काम आता है। ठीक है फ्रेंड, कहीं से कम ज़्यादा रहता है ना, तो उसके लिए। उसके बाद आता है फ्रेंड रिवर्ब, ये भी वही है फ्रेंड आपको, जो जैसे कि आप देख सकते हैं बाथरूम, अगर आप बाथरूम में हो तो बाथरूम टाइप इसमें करेंगे तो बाथरूम जैसे आवाज़ आएगा। अगर आप और अलग अलग दिया हुआ इसमें इसमें करेंगे तो आपका चर्च जैसे आवाज़ वॉइस आएगा, आपका जो वॉइस है वो चर्च जैसे। स्टूडियो में करेंगे तो आप स्टूडियो जैसे वॉइस आएगा, आप देख सकते हैं स्टूडियो जैसे आपका जो वॉइस है वो स्टूडियो से अच्छा लगेगा कि आप स्टूडियो से बोल रहे हो। इसके बाद हो गया फ्रेंड स्टूडियो के बाद आता है फ्रेंड, ये भी वॉइस है वॉइस चेंजर, ये भी सब वही है, वॉइस चेंज कर सकते हैं इसमें से आप। जैसे कि ह्यूमन में करेंगे तो आपका जो वॉइस है वो ह्यूमन टाइप का आएगा। ठीक है फ्रेंड, ये मेन वाले में करेंगे तो मेन टाइप का वॉइस आएगा आपका, किड्स वाले में रखेंगे तो किड्स वाला वॉइस आएगा। नॉर्मल कर देते हैं इसको, ये सब वॉइस का है। ठीक है फ्रेंड, उसके बाद आता है अगर आपके वीडियो में चारों तरफ थोड़ा सा ब्लैक डॉट, जैसे इसको विग्नेट को जैसे ऑन करेंगे तो देख सकते हैं इस तरीके से आपको जो वीडियो में है उसमें हल्का हल्का आपका डार्क हो गया चारों तरफ से। मैं क्लिप ग्राफिक तो हटा के दिखाता हूँ आपको, ये देख सकते हैं इसका यही है। और आप चाहें तो ऑडियो को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, यहाँ से ऑडियो एक्सट्रैक्ट हो गया, ऑडियो को आप अलग कर सकते हैं। इसको रिड्यू करके आपको फिर से समझाता हूँ, यहाँ जो ऑडियो जो आपके वीडियो में है इसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, यहाँ से जिसे एक्सट्रैक्ट करेंगे फिर इस तरीके से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड ये तो था फर्स्ट पार्ट, अब सेकंड पार्ट भी आएगा फ्रेंड, तक सेकंड पार्ट पाने के लिए वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को सेलेक्ट कर लीजिए। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए फ्रेंड। हम मिलते हैं इसी तरह से फिर नेक्स्ट वीडियो में।